दोस्त नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। आप सभी के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लगातार अपना उत्तराखंड, अपना रोज़गार की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में दोस्त, एक मैं आपसे बात करना ज़रूर उचित समझ रहा हूं कि कल मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाला था कि कम जगह में देसी पोल्ट्री फार्मिंग कैसे की जाए कम लागत में सेड बनाकर। वो वीडियो आप लोगों ने 24 घंटे में बहुत ही पसंद किया है, सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है पिछले 24 घंटे में। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप लोगों का ये मोटिवेशन कुछ अच्छा करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है। लेकिन दोस्त, आज जो हम बात कर रहे हैं ना, अपने पुराने ट्रैक पर आ रहे हैं, एक मजबूत पोल्ट्री फार्म कैसे बनाएं, पार्ट 5, भाग 5। इसमें आज हम बात कर रहे हैं कि जो सेड की हम बात कर रहे थे ना, उसमें अब जो है काम लगभग फैब्रिकेशन का पूरा हो चुका है, सीट पड़नी बाकी है। तो आज हम जो बात करेंगे ना, वो सिर्फ करेंगे फैब्रिकेशन वर्क की। ऊपर जो पर्लिंग है वो कैसे लग रही हैं, क्या क्या उस पर आपको ध्यान देना है, कैसे वेल्ड होना है, किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान देना है, और जो बिल्डिंग आपकी बनी हुई है उस बिल्डिंग की मजबूती के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए सीट पड़ने से पहले, उन सब बातों पर आज चर्चा होगी। तो चर्चा से पहले आप लोग एक बार यार कमेंट तो बनता है और लाइक भी बनता है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ताकि जो भी मेरे पास जानकारी है आपके लायक या आपके दोस्तों के लायक, वो आपके पास समय समय पे नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचती रहे। अब नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचेगी, इसके लिए बेल आइकॉन भी दबाना है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, और आइए देखते हैं कि साइट्स पर क्या क्या काम हुआ है, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे कैसे हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पर्लिंग लगने का काम शुरू हो रहा है, आइए देखते हैं। ये इंजीनियर सुहेब जी देखिए वेल्डिंग कर रहे हैं। सुहेब भाई बताइए क्या कर रहे हैं आप? ये पर्लिंग बना रहे हैं सर। थोड़ा इधर देख के बताइए दोस्तों को हमारे। जी क्या है ये? पर्लिंग बना रहे हैं। पर्लिंग क्या होता है? ये पर्लिंग, इसमें हमारी चादर लगेगी। कहाँ रखोगे इसे? ये पर्लिंग एक यहाँ पर आएगी। अच्छा, इसके ऊपर आप सीधे सीधे पढ़नी है? जी, सीधे सीधे ऐसे से पढ़नी है। अच्छा, उसके ऊपर सीट डाल देनी है। तो ये वेल्डिंग क्यों हो रही है यहाँ पर? ये वेल्डिंग लंबाई के लिए जोड़ रहे हैं, ऊपर दिक्कत आएगी इसलिए नीचे ही जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो पीस रखे हुए हैं ये कितने फिट के हैं? ये 20-20 फिट के हैं। अच्छा, इसको कितने फिट का बना रहे हैं आप जोड़ के? इसको हम 40-40 फिट के बना रहे हैं। अच्छा, 40 फिट के? जी, 40-40 फिट के दो पीस बना रहे हैं। दो पीस ऊपर रख के जोड़ देंगे? जी हाँ। फिर उसके आगे, ये तो आपका 115 फिट है, फिर हम उसके आगे एक लेंथ और जोड़ देंगे। अच्छा, एक लेंथ इधर से जोड़ेंगे, एक लेंथ उधर से जोड़ेंगे। तो फिर एक साथ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं 115 फिट? वो फिर हमें चढ़ाने में दिक्कत आएगी। अच्छा, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, टूटने का भी खतरा है और चोट लगने का भी खतरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कितनी लाइन लगनी है भाई? पांच लाइनें लगेंगी। अच्छा, तो इससे इसके ऊपर टीन रखी जाएगी? इसके ऊपर टीन रखी जाएगी। कौन सी टीन लगनी है इसमें? सीमेंट वाली सीट लगेगी। कितनी सीटें आनी है पूरे सेड में? ये 40 आएंगी सर, वो 80 आएंगी 6 फीटी, 6 फीट 80 आएंगी 12 फीट। अच्छा, और 40 आएंगी 8 फीटी। अच्छा, उसका क्या काम है? उसका वो ऊपर जो रिच लगेगा ना ऊपर। अच्छा, तो उसमें 8 फीट वाली चादर का जो है दो पीस कर देंगे उसके सर। अच्छा, फिर जो है 4 फीट इधर आ जाएगा, 4 फीट इधर आ जाएगा, ऊपर जो है रिच लग जाएगी। रिच क्या होता है? रिच एक चादर आती है वाइट वाली, जीआई वाली। अच्छा, तो वो जो गैप जो दिया जाता है ऊपर टॉप में जी, उसके ऊपर वो उन्हीं हुकों में जो है रिच लग जाएगी पूरी 115 फीट लंबी। वो किस लिए लगती है? वो पानी की बुछार ना आए ऊपर। अच्छा, मतलब आप वेंट, अच्छा ऊपर जो गैस निकालने के लिए आप स्पेस छोड़ रहे हैं? ये जो हम जो गैप जो इसके बीच में जो आएगा जी, वो 2 फीट का जो है चादर का उस पर पट्टा लग जाएगा, मतलब सीट लग जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जो है पानी नहीं आएगा उसके, पानी नहीं आएगा। तो वो बनाना जरूरी है क्या ऊपर? वो बहुत जरूरी है बनाना, ना तो पानी उसके अंदर आएगा सर। अच्छा अच्छा, चलिए, क्या नाम आपका? फरीद। फरीद भाई, थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पर्लिंग का काम चल रहा है, और ये आप ये देखिए पर्लिंग इधर अभी लगनी है, और
और उस साइड आप देख रहे हैं लग चुके। इसके ऊपर सीट लगाई जाएंगी इसके बाद। दोस्त हम साइट पर आ गए हैं और देखिए काम चल रहा है ऊपर, और मैं आपको लिए चलूँगा वहीं साइट पर। और ये देखिए जो पीस मुझे दिखाई दे रहा है इसका ऊपर काम हो रहा है, आइए देखते हैं क्या काम हो रहा है। तो देखिए ये हमारे मिस्त्री जी जो है इस पर काम कर रहे हैं, और ये जो पर्लिंग लगी हुई आपको दिख रही है ना, ये गोल पाइप है। इस गोल पाइप से इस चौकोर पाइप को जोड़ना आसान नहीं होता है, उसके लिए इस टुकड़े को वेल्ड करना होता है। और मेरे साथ हमारे इंजीनियर हैं, ये आपको बताएंगे इस टुकड़े को यहाँ क्यों जोड़ा जा रहा है। दोस्त बताइए ये वेल्डिंग आप यहाँ कैसे, इसको पकड़ के बताइए कैसे लगा रहे हैं और क्यों वेल्डिंग कर रहे हैं। ये हम पल्लिंग के ऊपर इस टुकड़े को इसलिए लगाया जा रहा है जॉइंट के लिए। ओके हाँ, ये मजबूत आ जाएगी इससे, ये टुकड़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब इस पीस के ऊपर ये पर्लिंग रखी हुई है, इसके ऊपर ये पर्लिंग रखी जाएगी। अच्छा, फिर मजबूत आ जाएगी इसकी। अच्छा, उसके बाद ये पकड़ अच्छी होगी। हाँ, दोनों को ज्वाइंट मजबूत हो जाएगा ना, फिर ये पाइप होता है ना ये। अच्छा, अगर इसको नहीं लगाएंगे तब फिर मजबूती नहीं आएगी, इसका लगना बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, तो इसकी पकड़ भी तो उतनी है ना गोल में, फिर इससे बढ़ कैसे रही? इसमें वेल्डिंग एंगल जो है, एंगल जो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें वेल्डिंग हुई थी, पल्लिंग एंगल ये तीनों एक साथ वेल्डिंग हुई। अच्छा, वैसे मजबूती ही नहीं आती पाइप की। तो ये दोनों तरफ से लगेगा, सब तरफ से वेल्डिंग होगा। अच्छा, उधर से भी और इधर से भी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है जी। तो अभी आपने हमारे इंजीनियर की बात सुनी कि ये टुकड़े आपने ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है चौकोर और गोल पाइप का, तो वहाँ ये लगना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त एक बात बताओ कि अगर दोनों पाइप चौकोर होते तब भी लगाना था ये? हाँ। अच्छा, तब भी लगाना, क्लेट फिर भी लगते हैं, मतलब चौकोर में। अगर ये भी चौकोर और ये भी चौकोर होता तो उसमें कोई जरूरत नहीं, उसमें जरूरत नहीं। उसमें अच्छा, उसमें पूरा बैठ जाता पाइप, गोल वाले पाइप में जी। अगर आपके दोनों एंगल चौकोर हैं और मजबूत हैं, चौकोर हैं, तो शायद इसकी ज़रूरत कम पड़े आपको, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसका आप ध्यान रखिए। और पर्लिंग देखिए आप पूरी लग चुकी हैं, और इस पर अब जो है सिर्फ काम हो रहा है जो मजबूती देने का, जॉइंट्स का। वैसे इसकी जो कटाई छटाई है वो हो चुकी है, और इसमें जितनी मजबूती दी जा सकती उसका काम हो रहा है। एक बार मैं आपको कैमरे से ऐसे दिखाऊंगा, ये सेंटर से देखिए, एक दो तीन चार, चार पर्लिंग इधर लगी हुई हैं। जो 20-20 फीट की लेंथ है उन्हें जोड़ के 115 फीट तक ले जाया गया है, और सेंटर से चार लाइन आप देख रहे हैं इधर लगी हुई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बाहर वाली जो लाइन है उसकी हम बात करेंगे। ये देखिए, ये जो बाहर वाली लाइन है ये सेट से बाहर है, और हमारे साथ इंजीनियर सुएब हैं। सुएब बताएंगे कि ये सेट के बाहर ये पर्लिंग की क्या ज़रूरत है। बताएं कि सुएब जी, ये जो पर्लिंग है ये बाहर क्यों लगी हुई है? ये बाहर जो है ना, अब चादर जो हम अपनी लगाएंगे तो उसको हम जितना ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, हमारा अंदर पानी नहीं मारेगा वो। ओके, अब हम इससे 6 इंची या 10 इंची चादर बाहर निकाल देंगे, 1 फीट भी निकाल देंगे जी, तो हमारा उससे पानी हमारा अंदर को नहीं आएगा। ओके, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चादर इससे बाहर निकलेगी 2 फीट 2.5 फीट जितना भी, एक तो वो पानी रोकेगी जी जी, और दूसरा मजबूती जी जी, यानी कि उसके ऊपर अगर पाँव भी रख दिया तो ये सपोर्ट है जी जी जी, ये सपोर्ट है उसकी, तो चादर टूटेगी नहीं, नहीं चादर टूटेगी जी। तो ये आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया कि इन छोटी छोटी चीज़ों का मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि इससे भी चादर जो है, ये आपको जो, ये जो आपको लोहा दिखाई दे रहा है इससे भी चादर बाहर रहेगी थोड़ा, लगभग 6-9 इंची या जितना भी होगी, तो वो बारिश और गर्मी को रोकेगी अंदर जाने से। इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उसके अलावा जो जितनी भी आपने चिनाई देखी है अभी, इस चिनाई होने के दूसरे दिन से ही इसमें पानी की तरावट बहुत ज़रूरी है, वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, चिनाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है, जो आप दीवार की तरावट, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि सीमेंट और रेते का जो मिक्सचर है उसकी स्ट्रेंथ तभी आती है जब उसको पानी मिले प्रॉपर। तो आप चिनाई के बाद उसमें तरी ज़रूर करें, उसकी मजबूती के लिए। इसी तरह आप पाइप देखिए, ऊपर दीवार पर रखिए और पानी पीते हुए पाइप से पानी रिश्ता हुआ दीवार से नीचे आना चाहिए। ये नहीं कई लोग छिड़क कर और मग से पानी छिड़कते हैं, उससे बढ़िया तरी नहीं हो पाती है। इसलिए यही एक तरीका है कि आप पाइप को दीवार के ऊपरी सिरे पर रख दें और पानी वहाँ से रिश्ता हुआ नीचे तक आए। इस तरह से आप जो अपनी चिनाई है उसे मजबूती दे सकते हैं। ये देखिए सुबह सुबह का समय और अब टिन पड़ने की तैयारी है। ये सूर्य देवता के दर्शन दोस्त, आपने देखा कि ये पूरा हमने पार्ट 5 में आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं कि जो फैब्रिकेशन का पर्लिंग लगाते समय आपको क्या क्या बातों का ध्यान देना है, कैसे वेल्ड होना है, कैसे क्यूरिंग यानी कि जो इसकी सिंचाई वो तराई है वो होनी है। और आप देख रहे हैं ये पाइप यहाँ भी मैं देख रहा हूँ ये बाहर निकले हुए हैं। ये बाहर इसलिए निकले हुए हैं कि जो सेड आएगा ना, जो टिन आएगी या जो भी इसमें सीट पड़ेगी वो बाहर तक रहेगी। उसकी वजह यह है कि इस दीवार को भी जो सीधी बारिश है उससे बचाना है, क्योंकि जब बारिश ऊपर से गिरेगी तो इस दीवार पर इसके नीचे तक आती है जिससे सीलन रहती है। तो जब थोड़ा सा आप 1 फीट 2 फीट बाहर निकाल देंगे ना तो उसका बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो दोस्त, आपने पार्ट 5 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं। अगले पार्ट में जब इस पर सीट लगेगी हम तब आपको यहाँ पर लेके आएंगे, और सीट लगने के बाद फिर बहुत थोड़ा सा काम बचता है प्लास्टर वगैरह का। तो पार्ट 6 में सीट कैसे लगानी है, सीट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है और सीट लगने के बाद के थोड़े बहुत काम पर चर्चा होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा पार्ट 6 भाग 6 का। तब तक आप कीजिए इंतज़ार, मेरी ओर से नमस्कार।